चर्चित ईडी अधिकारी रहे वर्तमान में लखनऊ सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने भी पेपरलेस विधानसभा पर के न्यूज के साथ बातचीत की है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। प्रबोधन कार्यक्रम में पहली बार विधानसभा चुन के आए पूर्व ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभी थोड़ी देर पहले प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधायकों को किस तरह से सदन में प्रश्नोत्तर करना है, उनके नियमावली क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने बताया है। इन विधायकों को जो पहली बार सदन में आए हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। प्रबोधन कार्यक्रम हुआ, पहली बार आप भी सदन में आए हैं, किस तरह से पेपरलेस कर दिया गया है इस बार विधानसभा को, कैसे आप लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होंगी, बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान का पहला ऐसी विधानसभा है जिसको इन्होंने पूर्णतः पेपरलेस कर दिया है। ई विधान के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज माननीय राज्यपाल जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक्सपीरियंसेस को साझा किया, उन्होंने अपनी कार्य योजना बताई, उन्होंने चीज़ों को बताया, कैसे विधानसभा सत्र चलना है, क्या नए विधायकों को करना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। बहुत ही अच्छे उनके भाषण रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई। पहली बार हो रहा है टैबलेट के माध्यम से विधायक अपने प्रश्नोत्तर करेंगे, मंत्री भी प्रश्नोत्तर का जवाब जो है टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन ही देंगे। जी, ये बहुत अच्छा रहेगा, हर व्यक्ति को हर चीज़ की जानकारी रहेगी। पहले कागज़ के लिए बाकी लोग क्या प्रश्न पूछ रहे हैं जाना पड़ता था पता करना, अब हर चीज़ आपके सामने टैबलेट पर उपलब्ध रहेगी, सबके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये राजेश्वर सिंह जी जिनका कहना है कि पहली बार जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और सभी विधायकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी आसानी होगा ऑनलाइन सिस्टम पेपरलेस विधानसभा होने के साथ साथ। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी के